हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम है साक्षी चौरसिया तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिंपलेस्ट इंट्रोयडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी येस ये बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस में आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं और उसके बेसिस में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी का नाम है मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रैटेजी येस एज आई टोल्ड यू कि इंट्रोयडे ट्रेडिंग में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मार्केट में हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड लें बिकॉज जब आप मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाती है और उसमें आप इजीली प्रॉफिट आर्न कर सकते हैं ये जो मूविंग एवरेजिज़ हैं ये आपको जनरली मार्केट में कहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है आप उस पॉइंट पर एंट्री ले सकते हैं कहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और इसके बेसिस में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं मूविंग एवरेजिज़ इज़ द बेस्ट वे जिसके थ्रू आप इंटरडेट ट्रेडिंग में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर करें आप लोगों ने मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो में देखा होगा कि मैं वहां पे मूविंग एवरेजिस को यूज़ करती हूँ तो मैं डिटेल से बताऊंगी कि किस तरीके से आप भी मूविंग एवरेज को इन बेस्ट पॉसिबल वे यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एंड ऑल्सो काफ़ी सारे लोग कंटिन्यूसली बोले थे कि मैम किस तरीके से हम स्टॉक सिलेक्ट करें तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी दैट मीन्स स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस और साथ ही साथ मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम का सिलेक्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि ऐसी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस आप तुरंत देख सकें और अपनी ट्रेडिंग की जो नॉलेज है उसको एनहेंस कर सकें तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके okay. सो so, आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं सो द वेरी फर्स्ट थिंग इसकी मैं आपके साथ मूविंग एवरेज की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो शेयर करूंगी ये सबसे ही ज्यादा सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो भी हाईली प्रॉफिटेबल है मैं आपको बताऊंगी मूविंग एवरेज क्या होते हैं और किस तरीके से आप मूविंग एवरेज की जो स्ट्रैटेजी है उसे यूज़ कर सकते हैं साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एंट्री पॉइंट आपका टारगेट क्या होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए ये सभी चीज़ें बताऊंगी लेटर आई विल टोल्ड यू कि किस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ठीक है एंड एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मूविंग एवरेज की जो ट्रेडिंग है वो आप स्टॉक में यूज कर सकते हैं ऑप्शन में यूज कर सकते हैं फ्यूचर में यूज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में यूज कर सकते हैं बिकॉज ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप सभी में यूज कर सकते हैं सो so चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so फर्स्ट हम समझते हैं कि एग्जैक्टली मूविंग एवरेज होती क्या है सो एज वी ऑल नो दैट की मार्केट में ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना कितना जरूरी है दैट जब भी आप मार्केट में ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं ना ऑलरेडी जो आपकी एक्यूरेसी है वो सिक्सटी परसेंट तक की इंक्रीज हो जाती है एंड इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि मार्केट में ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए तो ये जो मूविंग एवरेजेज होती हैं ये आपको मार्केट में ट्रेंड का आइडिया प्रोवाइड करती हैं कि कहाँ से मार्केट में अपसाइड का ट्रेड है कहाँ से मार्केट में डाउनसाइड का ट्रेड है ठीक है दैट मीन्स अगर जो हमारा ट्रेड है वो इन मूविंग एवरेजेस के अपसाइड है दैट शो कि यहाँ से जो ट्रेड है वो अप जाएगा अगर हमारा ट्रेड मूविंग एवरेजेस के डाउन है दैट मीन्स यहाँ से ट्रेड डाउन जाएगा और आपको मार्केट में शॉर्ट सेल का ट्रेड लेना है ठीक है इसके साथ साथ जो मूविंग एवरेजेस होती हैं वो सपोर्ट की तरह वर्क करती हैं दैट मीन्स अगर ट्रेड अप जाके अगर अपने मूविंग एवरेजेस के पास आ रहा है दैट मीन्स यहाँ पर सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा तो आप इज एन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस में भी यूज कर सकते हैं और इसके बेसिस में ट्रेड ले सकते हैं वेल well, यहां पर जो है हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे बिकॉज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेज सिंपल मूविंग एवरेज से काफी अच्छे होते हैं और काफी अच्छे आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं ठीक है यहाँ पर जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं सिंपल होते हैं मोर रिलायबल होते हैं और इसमें और सिंपल मूविंग एवरेज इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है दैट मीन्स कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपको सिर्फ अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है ई एम ए जैसे ही आप ई एम ए लिखेंगे देखिए आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मिल जाएंगे ठीक है तो आई होप ये क्लियर हो कि मूविंग एवरेज हैं क्या और किस तरीके से आप मूविंग एवरेज क्यों यूज़ कर सकते हैं और मार्केट में ये आपको ट्रेंड का आइडिया प्रोवाइड करते हैं ठीक है मूविंग एवरेज सिंपली कैलकुलेटेड प्रीवियस डे के हाई और लो के बेसिस में जिस तरीके से ये कैलकुलेट होते हैं ठीक है अब यहां पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ना हम यहां पर 20 और 40 डे का मूविंग एवरेजेज यूज़ करने वाले हैं हम 20 और 40 डे इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें सिर्फ एक ही दिन का मूव कैप्चर करना होता है इसलिए हम 40 डे और 20 डे का पुट कर रहे हैं बिकॉज ये बेस्ट होता है ये ना ही ज्यादा छोटा होता है ना ही ज़्यादा बड़ा होता है अगर इसकी जगह अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं देन आपको दूसरे दूसरे मूविंग एवरेजेज यूज़ करने होंगे दैट दा, मीन स्कैल्पिंग के लिए आपको नाइन पीरियड का और ट्वेंटी पीरियड का यूज़ करना होगा तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पुट करना देखिए मैंने भी ट्वेंटी और फोर्टी डे का पुट करा हुआ है इस ट्वेंटी और फोर्टी से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं चाहे आप ऑप्शन में करें चाहे आप इंट्राडे में करें चाहे आप फ्यूचर में करें रहे करेंसी में करें इंट्राडे के लिए ट्वेंटी और फोर्टी डे बेस्ट होता है ठीक है नाउ मूविंग एवरेजेस में ये चीज़ें हमें फोकस करनी है अब एस वी ऑल नो दैट कि इंडिकेटर सिर्फ हमें सेवेंटी परसेंट ही सिग्नल राइट प्रोवाइड करते हैं अदरवाइज हमें वो फॉल्स सिग्नल देते हैं और इसीलिए इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको प्राइज एक्शन के साथ मिक्स कर दें येस yes. जब आप इन्हें प्राइज एक्शन के साथ मिक्स कर देंगे ना तो ऑलरेडी आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी और आप मार्केट में कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड ले पाएंगे तो इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ करने के लिए आपको दो चीज़ें और देखना है द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ हमारी कैंडल फॉर्मेशन की मार्केट में किस तरीके की जो है कैंडल फॉर्मेट हो रही है कैंडल हमें इट ही बता देती है कि कहाँ से जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग होने वाले और हो, कहाँ से ट्रेंड वीक होने वाले हैं जब भी देखिए एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है यहाँ से जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है बुलिश एक्टिव है यहाँ पर देखिए बायर्स एक्टिव है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं सिमिलरली लॉन्ग विक शो करती कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो वीक हो चुका है देखिए यहाँ से जो ट्रेड है वो डाउन साइड जाएगा इस तरीके से हमें कैंडल्स काफ़ी कुछ शो कर देती हैं एंड द लास्ट जिस जो चीज़ आपको देखनी है वो है आपकी वॉल्यूम येस मार्केट में वॉल्यूम बताती हैं कि बायर और सेलर एक्टिवली कितने प्रेजेंट है दैट मीन्स ये आपको से सिग्नल से प्रोवाइड प्रोटेक्ट करती है देखिए जब भी आप ट्रेड लेना है आपको इन तीन चीज़ों पर फोकस करना है दैट मीन्स वो आप अपने ट्वेंटी और फोर्टी डे के जो पीरियड है उससे अपसाइड हो ठीक है एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है फॉर द बाय साइड एंड अगर आप शॉर्ट सेल करना है देन रेड कैंडल फॉर्म हो रहा हो उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो अगर इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो ओनली देन आप उसमें ट्रेड लेने वाले हैं अदरवाइज आप उसमें ट्रेड नहीं लेंगे ठीक है इस तरीके से आपको ये तीनों चीज़ों पर फोकस करना है देखिए मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि, कि किस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर सेवन uh, जुलाई का ही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ देखिए ये अपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके अपसाइड जा रहा है एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है और देखिए वॉल्यूम भी इंक्रीज है तो सिंपली यहाँ पर आपको बाय का ट्रेड ले लेना है स्टॉप लॉस आपको हमेशा आपकी कैंडल के जो लो है ना उस पर पुट करना है ठीक है आपने यहाँ पर लास्ट कैंडल जो है जिस भी कैंडल पर आप ट्रेड लेना उस कैंडल की लास्ट पर आपको जो है अपना मूविंग लॉस पुट करना है टारगेट पुट करने के लिए ना यहाँ पर आपको पिविट पॉइंट यूज़ करना है पिविट पॉइंट वर्क करते हैं एज एन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह और ये मार्केट में आपको टारगेट बहुत अच्छे से देंगे अब देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट होता है देखिए एटीन पॉइंट सेकेंड टारगेट आता आपका थर्टी और अगर आप लास्ट टारगेट तक रुकते तो देखिए आपको इसमें फोर्टी थ्री पॉइंट का प्रॉफिट होता देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर अगर आपने वे ये एंट्री मिस कर दी होती है और यू हैव टू टेक अ री एंट्री देन ये अपने मूविंग एवरेज के क्लोज आया है देखिए ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पर हाई वॉल्यूम भी है देखिए इस तरीके से तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है स्टॉप लॉस आपको लास्ट कैंडल के लो पर पुट करना है टारगेट आपको अपने प्रविट पॉइंट के हिसाब से रखना है देखिए इस तरीके से इसमें आपको प्रॉफिट होता ठीक है एंड ऑल्सो गाइज ये मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है ना उसमें आपको फ्री रेगुलरली स्टॉक प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि इस तरीके से आप इंट्राडे में रोज सुबह सुबह ट्रेड ले सकते हैं तो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी ये मैंने उसी का टारगेट आप आई मीन जैसे उसी के सिग्नल प्रोवाइड कराता था देखिए कितनी अच्छे तरीके से वर्क किया अब देखिए यहाँ पर जो ट्रेड है वो अपने मूविंग एवरेजेस के बिलो है दैट मीन्स यहाँ पर मार्केट में सेलर एक्टिव है देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक बिग ग्री रेड कैंडल फॉर्म हुई है हाई

ट्रेड अगर अपने मूविंग एवरेज की अपसाइड है देन आप बाय का ट्रेड लेंगे मूविंग एवरेज के डाउन साइड है देन आप शॉर्ट का ट्रेड लेंगे जैसे देखिए ये यहाँ पर जो है अपने मूविंग एवरेज के अपसाइड जा रहा था वॉल्यूम इंक्रीजमेंट थी ठीक है कैंडल भी अच्छी फॉर्म हो रही थी तो आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी थी और देखिए इसमें आपको 17 पॉइंट का प्रॉफिट होता अब देखिए जो ट्रेड है वो अपने मूविंग एवरेज के बिलो आ रहा है कैंडल की फॉर्मेशन देखिए वॉल्यूम इंक्रीजमेंट है आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो और इसमें आपको हाई प्रॉफिट होता आपने ये एंट्री मिस कर दी थी देन आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे और देखिए इस तरीके से इसमें आपको ईजीली प्रॉफिट होगा इसमें देखिए आपके जो टारगेट है वो काफ़ी बड़े होंगे और आपके जो स्टॉप लॉसेज है ना वो काफ़ी ही छोटे छोटे होंगे जिसके थ्रू आप मार्केट में सिंपली ट्रेडिंग uh, करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ठीक है

डेट मीन्स उसमें बायर और सेलर एक्टिवली प्रेजेंट होना चाहिए ताकि आप ट्रेड को सिंपली बाय कर सके और सेल कर सकें क्योंकि हमें यहाँ पर क्विकली एंट्री लेनी होती है और क्विकली एग्जिट करना पड़ता है सेकेंड थिंग इसकी आपका ट्रेड हाईली वॉलेटाइल होना चाहिए दैट मीन्स उसमें अच्छी मूवमेंट होनी चाहिए बायर और सेलर एक्टिवली प्रेजेंट होने चाहिए एंड थर्ड की उसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए दैट शो कि यहाँ पर आपको बायर और सेलर एक्टिव है तो आपको कोई भी फॉल्स सिग्नल नहीं होगा मूवमेंट इसीलिए ये तीनों चीजें इसीलिए इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि पैनी स्टॉक में ट्रेडिंग कर लेते हैं कम प्राइस वाले स्टॉक में ट्रेड कर लेते हैं ताकि हम बड़ी क्वांटिटी ले पाए और उसमें प्रॉफिट हो पाए तो ऐसा नहीं होता है गाइस तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टॉक ओपन करा हुआ है इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट वन हंड्रेड एंड फोर्टी एट रुपीज़ है अब काफ़ी सारे लोग इसको इसलिए सिलेक्ट करते हैं बिकॉज इसकी इसकी वैल्यू कम है बट देखिए अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो अगर आप इसमें ट्रेड ले भी लेते ना तो देखिए इसका मूवमेंट कितना होता है सिर्फ पॉइंट फिफ्टी में क्योंकि ये पॉइंट में मूव कर रहा है इसकी जगह अगर आप कोई ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जिसमें हाई लिक्विड है होता हाई वॉल्यूम होती हाईली वॉलेटाइल होता है तो देखिए इसमें कितना अच्छे एक तरीके से मार्केट मूव कर रहा है अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते भी ना तो देखिए मार्केट कितने अच्छे तरीके से नाइन पॉइंट का मूव कर रहा है ट्वेल्व पॉइंट का मूव कर रहा है इसीलिए इट इस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन तीनों पैरामीटर पर स्टॉक सिलेक्ट करें और इन तीनों पैरामीटर पर स्टॉक सिलेक्ट करने का बेस्ट वे है एन की ऑफिशियल वेबसाइट येस यहाँ पर आपको टॉप टेन गेनर्स और लूजर्स मिल जाएंगे ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें हाई वॉल्यूम होती है हाई लिक्विड होते हैं और वॉलीडिलिटी भी अच्छी खासी होती है इसके बेसिस में आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं नाइन फिफ्टीन आपको ये डाटा मिल जाएगा इसमें देखिए फिर आइडेंटिफाई कीजिए अपने मूविंग एवरेज ज अपसाइड है कि डाउन साइड और उसके बेसिस में आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं तो आई होप ये क्लियर हो कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं अब मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में चल के बताती हूँ कि स्ट्रैटेजी आप बैंक निफ्टी में और निफ्टी फिफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पर ट्वेंटी जून में देखिए ये अपने मूविंग एवरेज अपसाइड जा रहे हैं यहाँ पर आपको कैंडल फॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है बिकॉज आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में वॉल्यूम शो नहीं होती हैं देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस लास्ट कैंडल के लो पर पुट करना है और देखिए इस तरीके से अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 408 पॉइंट का प्रॉफिट होता है ये अगेन अपने मूविंग एवरेज जिसके क्लोज आ रहा था एक ब्रिक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी देखिए इस तरीके से और यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे और देखिए अगेन आपको 170 पॉइंट का प्रॉफिट होता है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे जिसके थ्रू आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं जैसे देखिए अगेन ये अपने मूविंग एवरेज के पास आया यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे और देखिए आपको 221 पॉइंट का प्रॉफिट होता जिस तरीके से बैंक निफ्टी है उसी तरीके से निफ्टी फिफ्टी है निफ्टी फिफ्टी में भी देखिए जैसे कि ये अपने मूविंग एवरेज के बिलो आ रहे हैं रेड कैंडल फॉर्म हो रही है एक बड़ी रेड कैंडल है देखिए कोई विक नहीं है तो आपको यहाँ पर शॉर्ट सेल कर देना और देखिए इस तरीके से इसमें आपको 116 पॉइंट का प्रॉफिट होता अगेन ये अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ रहा है और देखिए इसमें आपको अगेन प्रॉफिट होता ऑल यू हैव टू लुक अराउंड कि किस तरीके से कैंडल फॉर्म हो रही है देखिए यहाँ पर आप बाय का ट्रेड ले सकते थे ग्रीन कैंडल अपसाइड जा रहा है देखिए इस तरीके से लॉस आपको लास्ट कैंडल के उस पर पुट करना है और देखिए आपको 40 पॉइंट का प्रॉफिट होता है इसमें देखिए आप शॉर्ट सेल का भी ट्रेड ले सकते थे और जिसके बेसिस में आपको प्रॉफिट होता है इस तरीके से ये जो स्ट्रैटेजी है वो मार्केट में वर्क करती है सो आई होप ये क्लियर हो कि किस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी देन आप वो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड ऑल्सो गाइज अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में नए हैं देन आप मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स ले सकते हैं वहाँ पर मैंने डिटेल से इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप की स्ट्रैटेजीज होती हैं प्राइज एक्शन साइकोलॉजी रिक्स मैनेजमेंट इसके साथ मैंने आपको मेरी फ्री ई बुक भी शेयर करी थी तो इस कोर्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है दें मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग पर भी एक डिटेल से कोर्स क्रिएट करा हुआ था जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें ऑप्शन चेन एनालिसिस ऑप्शन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी दैट मीन्स बटरफ्लाई स्ट्रेडल हेजिंग किस तरीके से कर सकते हैं एवरीथिंग मैंने आपको उसमें क्लियर करा था रिक्स मैनेजमेंट साइकोलॉजी तो दोनों ही कोर्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से इन कोर्स का करिकुलम्स चेक कर सकते हैं एंड इफ यू थिंक दैट दिस कोर्स इज सटेबल फॉर यू आप उन्हें एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में आपको लाइफ टाइम ऐसेज मिलेगा विथ माई सपोर्ट सिस्टम जिसमें आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ओके okay, सो so यही थी आज की वीडियो आई होप ये सारी ही चीज़ें आपको क्लियर हो। एंड ऑल्सो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो बिकॉज इट कीप मी मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोज़ फॉर यू ओके सो थैंक यू सो मच गाइज यही थी आज की वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा बिकॉज इट कीप मी मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोज़ फॉर यू एंड ऑल्सो अगर आपको इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सो थैंक यू सो मच मिलता है, so, so है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप कीपर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग इन ट्रेडिंग ओके